शेषनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाड़ूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय यतपत्र नेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक बात कथा शुरू करने से पहले ये जान ले, कथाएं क्यों सुननी चाहिए? उत्कर्ष जी, उत्कर्ष सिंह जी, कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा, कथाओं के सुनने से क्या लाभ मिलता है? और अगर कथाओं के सुनने से लाभ मिलता है तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? ये सब कुछ ऐसे मूलभूत तथ्य हैं जिस पर अवसर निकालकर, समय निकालकर की बातें करनी चाहिए। सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि अफवाहों का बाजार जो है वो ज्यादा दिन तक गर्म नहीं होता। अगर अनादि काल से, सनातन काल से लोग कथाओं को सुनते चले आ रहे हैं तो जरूर इसका कुछ न कुछ लाभ होगा, इसका जरूर कुछ न कुछ मतलब होगा, औचित्य होगा। तो आज इस विषय पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही साथ ये जान लें कि कथाओं में हवा में लटकने वाली कोई बात नहीं बताई जाती। इन कथाओं में जीवन जीने के सूत्र समाहित हैं। ये कथाएं हमको शिक्षा देती हैं, हमारे नैतिक बल को आगे बढ़ाती हैं, नीतिगत रास्तों पर आगे चलने की प्रेरणा देती हैं, विपरीत समयों में संभलने के लिए ताकत प्रदान करती हैं, धर्म और संयम बल के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब भी कभी हमारा मन हताश हो, परेशान हो, दुखी हो, किसी भी समस्या का समाधान जब हमें नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उन कथाओं की शरण में जाना चाहिए। सारे प्रश्नों का निर्मूल निराकरण इन कथाओं में सन्निहित है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए। कथा भगवान के रूप लीला चित्र का गुणानुवाद है। भगवान के विषय की जो गाथा है वही कथा है। ये हमेशा पास्ट यानी बीते हुए समय की होती है। आज की जो ये कथा है, दिव्य अमृतमयी कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो स्कंद पुराण से ली गई है, मात्र छोटे छोटे 5 अध्याय रेवाखंड से ली गई ये कथा, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। मात्र इसके 5 अध्याय हैं, इसमें छोटे छोटे 5 अध्याय, और ये 5 अध्याय हमारे समाज के जो 4 मूल स्तंभ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको आधार बनाकर बनाया गया है। व्यास जी ने सूत जी को माध्यम बनाकर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए ये जो आज एक कथा हम सबके समक्ष रखने जा रहे हैं, इसके जो मूल पात्र है वो 4 मूल पात्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि हमारे समाज के मूल स्तंभ हैं। इनके बल पर ही हमारा समाज आगे बढ़ता है। और ये जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, एक प्रकार से इसको प्रवृत्ति मानिए, ये हम सबकी प्रवृत्तियां हैं। किस भाव में हम भगवान का भजन यजन करते हैं तो परमात्मा किस रूप में हमको फल की प्राप्ति करवाता है, ये बात हमको बड़ी अच्छी तरीके से इसमें समझाई गई। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जानना और मानना ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। मैं जितनी बातें आज करने जाऊंगा, निश्चित रूप से ये सारी बातें आप लोगों को पहले से ही पता है, कुछ अलग से कुछ नया मैं बताने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं ये बातें आप लोगों के सामने करूंगा तो आप लोगों के पास एक समय होगा रुक करके उस पर विचार करने के लिए, उसके लाभ और हानि पर भी विचार करिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि
कि हाँ इससे जीवन में लाभ मिल सकती है, तब तीसरा कार्य है आपको उस पर व्यवहारिक रूप से आपको उसको धीरे धीरे अपने प्रयोग में लाना होगा, क्योंकि कल्याण तभी होगा जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हम क्या करते हैं, बड़े आदर से ब्राह्मण को बुलाते हैं और बड़े यत्न से चौकियां सजाते हैं, फूल सजाते हैं, फल मिठाई अर्पित करके मान लेते हैं कि हमारी कथा तो हो गई, जबकि कथा का वास्तविक स्वरूप यह बिल्कुल नहीं है। एक दिन के लिए ब्राह्मण आपके घर में आता है, आपको कथा की विधि बताता है, पूजा की विधियां समझाता है, आपको एक प्रकार के यत्न से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, वही क्रिया आपको बार बार अपने जीवन में रोज करना होता है। रोज ब्राह्मण हर किसी के घर में तो आ नहीं सकता, न ब्राह्मण आ सकता है, न कोई ब्राह्मण को अपने यहां बुला ही सकता है। तो एक दिन बुला करके उस विधि को ऐसे समझिए, मानिए, और जितना आपसे हो सके भगवान के प्रति समर्पण की भावना को उत्तरोत्तर निर्बाध गति से आगे लगाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब कहीं जाकर के हमारा कल्याण होगा। चलिए अब मैं बिना किसी भूमिका के इस कथा को आगे प्रारंभ करता हूं। देखिए कथा की जो भाषा शैली हो वो जनमानस के समझ की भाषा होनी चाहिए। जो बातें इसमें बताई गई है जब तक आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाओगे तो उस पर अमल कैसे करोगे। इसलिए आज की ये जो कथा है वो मैं प्रयास करके हिंदी में सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय बहुत कम लूंगा इसलिए घबराइएगा भी मत, केवल सावधानी से सुनिएगा। पहले अध्याय की कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आचार्य पंडित जी आए हैं, वो मूल पाठ कर देंगे तो हम लोगों को दोष भी नहीं लगेगा, संकल्प वाक्य की पूर्ति भी होगी और संकल्पों में विकल्प भी नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी। इस कथा का एक मूल संदेश यह भी है कि कभी भी अपने जीवन में अगर कोई संकल्प ले तो उसमें विकल्प न जोड़े। विकल्प का मतलब क्या होता है, कौनो संकल्प ले लू अब धीरे धीरे ओके टरकावत चली गई, आगे बढ़ावत चली गई, ई हो जायत कैली, ऐसे हो जायत कैली, अब कैली, आगे कैली, भाई दिक्कत बा। इस प्रकार से संकल्पों में विकल्पों को ऐड नहीं करना चाहिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज कथा कर रहे थे। ये टोटली कथा जो है द्वापर काल की कथा है, समय का भी ध्यान मन में बैठाते चलें। सूत जी महाराज जो कि भगवान व्यास के शिष्य थे, शिष्य परंपरा से थे, और व्यास जी महाराज ने कथा करने का जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो सूत जी को ही बनाया। और ये बताता है सूत जी जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे, ये वर्णाश्रम व्यवस्था की एक बड़ी मजबूती बताती है कि जो योग्य था जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजिते। अगर आपके पास आचरण है, कर्म है, व्यवहार है, कुशलता है, निपुणता है, आप योग्य है तो आप उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके एक नहीं हजार उदाहरण है। राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने थे, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सूत जी कथा कर रहे थे, 88,000 जो ऋषि आज कथा सुनने के लिए सूत जी के पास आए हैं, ये 88,000 ऋषि संन्यास मार्ग के थे। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग क्या है, गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ आश्रम से हैं। जिसके पास पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, संतान हो, घर गृहस्थी हो, नाना प्रकार की जंजाल हो, व्यवस्थाएं हो, ऑफिस हो, नौकर हो, नाना प्रकार की विडंबना हो, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जो रहने वाला व्यक्ति है, इसके पास तमाम प्रकार की विडंबनाएं भरी पड़ी है। ये जो रास्ता है यह प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है, और एक रास्ता इसको छोड़कर और है जिसका नाम है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि हम झंझट पचेड़े में नहीं पड़ेंगे, जब परमात्मा को ही पाना है तो राम राम ही जपना है, तो घर संसार से दूर कहीं चल के हम राम राम जपेंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये जो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, जिस रास्ते से हम और आप चल रहे हैं, गृहस्थ जीवन जो है यह भक्ति प्रधान है, और भक्ति प्रधान होने के कारण आप जो कुछ भी विवेक बल से, ज्ञान से, पौरुष से, पुरुषार्थ से हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके, भगवान को चढ़ा करके, और भोग प्रसाद स्वरूप उसको स्वीकार करिए, आनंद से रहिए, मजे से रहिए। यह बड़ा सरल मार्ग है। इस रास्ते में अगर आपसे हमसे कोई गलतियां हो जाती है तो क्षमा मांग लेने से, प्रायश्चित समझ लेने से
उस दोष का हरण भी हो जाता है। और इस रास्ते पर चल करके व्यक्ति जो जीव का मूल श्रेयस है निर्वाण कैवल्य मुक्ति, उस पद को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो है वो तलवार की धार है, वहां पर ज्ञान प्रधान होता है। ज्ञान बल के प्रधान होने के कारण जब ज्ञान अत्यधिक होता है तो धीरे से उसमें अहंकार का समावेश हो जाता है, और अहंकार के उसमें समाहित हो जाने से तुरंत उसका विनाश हो जाता है। अब ये जो 88,000 ऋषि आज सूत जी के पास आए हैं, ये इसी धीरे से आए हैं कि महाराज आप गृहस्थ आश्रम के संत हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो कर्मकांड की विधा से जुड़े हैं, ये जो हमारा कर्म प्रधान युग है, इस कर्मकांड की पद्धति में किसी ऐसे व्रत जप तप का उल्लेख करिए जिसको करने से यह जीव सरलता से इस संसार के जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख यानी धन पुत्र पत्नी परिवार सुख ऐश्वर्य सरलता से प्राप्त करता हुआ अंतिम में भगवान के पास जाकर भी मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। कोई ऐसा मार्ग है तो बताइए। 88,000 ऋषियों के इस प्रकार से पूछने पर सूत जी महाराज ने उन ऋषियों से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, आज आप लोगों ने जो प्रश्न हमारे समक्ष रखा है, कभी यही प्रश्न नारद जी ने भगवान जी से किया था, तो चलिए आज आप लोगों को मैं वही कथा सुनाता हूँ जो नारद और भगवान के बीच की बातें रही। सारे ऋषियों को फ्लैशबैक में ले जाते हैं, बहुत पीछे ले जाते हैं नारद जी सूत जी, और बताते हैं कि एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविध लोकान मर्त्य लोकम उपागत। नारद जी एक ऐसे ऋषि है जिसको भगवान ने कहीं भी आने जाने की व्यवस्था दे रखी है। अच्छा, जब वो चाहते हैं तब वो भगवान जी के पास चले जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण था नारद जी के पास जो वीआईपी पास उनको मिल गया था? नारद जी को वीआईपी पास किस लिए मिला था जानते हैं? नारद जानेउ नाम प्रतापु। नारद जी ने भगवान के नाम की महिमा को समझ लिया था। भगवान के नाम की महिमा को जो समझ लेगा, निरंतर जो राम नाम का या किसी एक नाम के सहारे जपन स्मरण करता रहेगा, वह व्यक्ति जब चाहेगा जहां चाहेगा वहां पहुंच जाएगा। इस संसार सागर को अगर पार करना है तो राम नाम का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते निरंतर राम के आश्रित हो जाना चाहिए। अब देखिए बड़ी चतुराई से व्यास जी ने भी यहाँ पर नारद का संबोधन क्या दिया, एकदा नारदो योगी। नारद जी को योगीराज कहा। आज योग की परिभाषा बड़ी तेजी से भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, और इसके पीछे एक कारण यह भी है, योग। योग को लेकर के भारत संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बाबा रामदेव को ही देख लीजिए, योग में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो ये जानिए कि योग है क्या, योग किसको कहते हैं? शरीर को एक निश्चित आयाम दे देना ही योग नहीं है। योग शारीरिक मजबूती तो देता ही देता है, वह आध्यात्मिक मजबूती मानसिक मजबूती भी प्रदान करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को जो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाता है वह है योग। अब आइए योग की परिभाषा पर जरा विचार कर ले। चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की चंचलताओं पे जो निरोध है वही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों की जो कुशलता है निपुणता है यही योग है। योग को कई तरीकों से लोगों ने परिभाषित किया, लेकिन योग की सबसे सरल परिभाषा क्या है? योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जोड़ना या जुड़ाव करना। इस आत्मा का, इस भटके हुए आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव करा देना, अपने मन को भगवान में लगा देना ही योग है। वास्तविक योग की परिभाषा यही है। और नारद जी को अगर यहाँ पर योगीराज कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि नारद जी के लिए कुछ भी कर पाना असंभव जैसा नहीं है। फिर भी सामर्थ्यवान होते हुए भी नारद जी आज जब धरती लोक पर आए और आकर क्या देखते हैं, चाहे धनवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे शक्तिमान हो और चाहे सामर्थ्यवान हो, सब परेशान है, सब दुखी है, सब रो रहे हैं। जिकरे पैसा बहु हो, जिकरे नाय बहु हो,
जकरे बिटिया बिटवा बहन उभव, जकरे बिटिया बिटवा नाई बहन उभव। जिसके पास परिवार है और जिसके पास परिवार नहीं है, नाना प्रकार से लोग दुखी हैं। संतों का कार्य है कि जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए वही संत है। नारद जी धरती वालों को दुखी देखते हैं तो उसका उपाय जानने के लिए भगवान जी के पास चले गए। वहां जाकर नारद जी ने भगवान की के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितं। वहां पर नारायण नाम के जिस देवता का दर्शन किया नारद जी ने, वे चतुर्भुज रूपधारी, शुक्ल वर्णधारी, गौरांग वर्णधारी, आज तक नारद जी ने भगवान को नीलांबुज श्यामल कोमलांगम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान का नाम एक है कृष्ण। कृष्ण माने क्या होता है जानते हैं? काला, करियवा। भगवान श्री कृष्ण बहुत काले रंग के थे, सांवले रंग के थे। लेकिन आज जब भगवान के स्वरूप को नारद जी ने देखा तो नारद जी खुद आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज भगवान बड़े गौरांग रूप में है। देखिए एक फोटो आपके सामने होगी, उसमें भी सांवला बना दिया है, लेकिन भगवान सत्यनारायण का जो स्वरूप है वो दिव्य गौरांग वर्णी रूप है। चार हाथों वाले चतुर्भुजधारी भगवान शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्म से शोभायमान है। भगवान के ऐसे दिव्य रूप का दर्शन करके नारद जी शांति ही शांति ही शांति ही तोरे सबके बतियावे ना आवे। अरे बाबा, वही भगवान ने क्यों करे हैं करे। बंद कह दे भगवानों का सन बंद करे, पंडित जा घरे शांति पूर्वक व्यवस्था बनाई। भाई नारद जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, दिव्य रूप को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। शास्त्रों में समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मार्ग रास्ते बताए हैं, जिसमें भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना पड़ता है। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब इनके नाम का संकीर्तन हो, स्तुति गान हो। नारद जी भगवान जी की तरह तरह से स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम आदिभूताय भक्तानां आर्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर् नारदं प्रत्यभाषत। अनेक प्रकार से जब नारद जी भगवान जी की स्तुति कर लेते हैं तो भगवान जी कहते हैं, नारद क्यों आए हो, आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर मेरे द्वारा ही सुनना चाहते हैं तो मैं धरती लोक पर गया था और वहां जाकर के मैंने देखा कि जितने सारे प्राणी हैं सभी दुखी हैं। लोगों का दुख कैसे दूर हो वो उपाय जानने के लिए आया हूं। देखिए आज की कथा का यही मूल केंद्र बिंदु होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी हो, कोई ना कोई समस्या हर किसी के पास है। तो समस्याओं का जो निराकरण है, सलूशन क्या है, आज इस कथा के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। बड़ा सरल रास्ता है, बहुत सरल उपाय है और निर्मूल निराकरण बताया। निर्मूल माने जड़ सहित। अगर वृक्ष को ऊपर से काट दिया जाए, जड़ नीचे रहे, तो क्या होगा, फिर से उसमें शाखाएं पनपेंगी और फिर से वो तना का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर उसके जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए तो दोबारा वह समस्या सामने नहीं आएगी। नारद जी ने कहा, प्रभु कृपा करके इसका निर्मूल निराकरण बताइए, संसार से दुख कैसे समाप्त होगा, दुख को दूर करने का क्या उपाय है। भगवान जी ने कहा, नारद आज मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। तव स्नेहान मया वत्सः प्रकाशः क्रियते धुना। तुम्हारे ऊपर आज मुझे बड़ा विशेष स्नेह हो रहा है, इसलिए मैं तुमको वो उपाय बताने जा रहा हूं जो स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। न स्वर्ग के किसी देवता को मैंने ये उपाय बताया, ना धरती का ही कोई ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी। आए तो मेरे पास बहुत एक से एक बड़े तपस्वी आए, लेकिन तू पहला व्यक्ति ऐसा है जो लोगों के, दूसरों के कल्याणार्थ चिंता कर रहा है, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों का कल्याण हो जाए इसलिए तू यत्न कर रहा है। तो मैं तुझको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, यत कृत्वा मुच्यते मोहात तत् क्षणस्व वदामि ते,
मैं वो उपाय तुमको बताने जा रहा हूं जिसको करने से लोगों का मोह नष्ट हो जाएगा। देखिए नारद जी ने कहा था कि प्रभु लोगों का दुख कैसे दूर हो वो उपाय बताइए, और भगवान जी ने कहा कि मैं वो उपाय बताऊंगा जिससे लोगों का मोह नष्ट हो जाएगा। नारद जी ने कहा प्रभु आप सावधान नहीं है, मैंने तो दुख को दूर करने के लिए पूछा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे लोगों का मोह नष्ट हो जाएगा। भगवान जी ने कहा नारद मोह सकल व्याधिनी के मूला, ये जो मोह है आसक्ति है यही सारे दुखों का मूल है, कारण है, जड़ है। जब तक इस जड़ को नहीं समाप्त किया जाएगा, जब तक जीवन से आसक्ति अपेक्षाएं नहीं समाप्त की जाएंगी, तब तक जीवन से दुख खत्म नहीं होगा। अच्छा हम लोग चाहते क्या मालूम है, कभी कभी हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो परेशान करती हैं, लेकिन परेशान करने वाली चीजों में भी हम आनंद ढूंढ लेते हैं, वहां से भी हम हटना नहीं चाहते। तो इस जटिल समस्या का समाधान कैसे होगा, आज ये बात आपको बताई जाएगी। जानने के लिए तो सभी जानते हैं कि मोह ही सारे व्याधियों का मूल है, लेकिन ये मोह कैसे, पुत्र मेरा बेटा है चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सब कुछ बेच दे रहा है, गाली दे रहा है, मन से नहीं चल रहा है, परिवार में कलह वातावरण बना हुआ है, लेकिन है तो मेरा बेटा, आसक्ति जुड़ी हुई है, पुत्र मोह है, पत्नी के साथ मोह लगा है, संसार के साथ मोह लगा है। अब ये जटिल मोह जो दिन रात सूल की तरह हमें भेद रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे दूर नहीं भाग रहे हैं, हम उसी में अपने मन को लगाए रमाए भरे पड़े हैं। तो इसका क्या समाधान होगा, नारद जी को भगवान ने समझाया कि नारद मोह सकल व्याधिन के मूला तेहिते उपजय बहुविध शूला, इसलिए इस मोह को भगाना पड़ेगा। नारद ने कहा प्रभु कृपा करके बताइए मोह कैसे भागेगा। नारद से भगवान जी ने कहा सत्य व्रतम, सत्य व्रत करना होगा, सत्य का आचरण करना होगा। जब तक सत्य के आचरण से लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। अच्छा सत्य के आचरण पर तो सभी चाहते हैं, एक आदर्श रास्ता किसको नहीं पता है, बड़ी बड़ी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, पंडित जी लोगों की तरह मंच पर बैठकर तो और अच्छी तरह से बातें करना, एक प्रोफेशनल बन गया है। लेकिन ये सारी बातों को जानते हुए भी इसको जीवन में व्यवहार में प्रयोग में कैसे लाया जाए, इसको प्रयोग में कैसे लाया जाएगा, इसके लिए कोई सरल समाधान देखना होगा। नारद जी ने कहा प्रभु कृपा करके सरल मार्ग बताइए। भगवान ने कहा, नारद जी ने एक बात और कहा, कहा महाराज जी किम फलम किम विधानम, इसका फल क्या है, माला लेके महाराज कुछ जप करो, क्या फल है और क्या विधान है कृपा करके मुझे बताइए। तत् सर्वम विस्तरात ब्रूही कदा कार्यम व्रतम प्रभो, और एक बात और बताइए प्रभु, अगर ये व्रत इतना ही महत्वपूर्ण है जिसके करने मात्र से पूरी जिंदगी सुधर जाएगी संवर जाएगी, तो मैं इसकी सर्वांग विधि को जानना चाहता हूँ ताकि यत्न पूर्वक करके इसके संपूर्ण फल लाभ को पाया जाए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, अक्सर देखा जाता है कि लोग प्रयास तो करते हैं और एक बार नहीं बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता, जबकि इस प्रमाण में लिखा गया है कि कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्रम मोक्षम अवाप्नुयात। जैसे ही इस कथा से व्रत से जब तब से कोई जुड़ता है तो सद्यः शब्द का अर्थ होता है तुरंत ही लाभ मिलता है। जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं ना, बार बार मुझे कहना पड़ रहा था शांत हो जाइए, अब एक बार नहीं कहना पड़ेगा, इसलिए कि बाप उनका मन लग गया और मन लगने के बाद अब आपको आनंद मिलना शुरू हो चुका है। जब आनंद मिलेगा तो अब आपको लगेगा पंडित जी इधर उधर की बातें मत करिए, अब आप लगे रहिए उसी रास्ते पर, क्योंकि एक चमत्कार होता है, एक अंदर से आनंद मिलती है। यही होता है जब हम कथा पूजा में जाते हैं तो हम माया जो होती है वो भाग जाती है, और माया के भाग जाने से आप शुद्ध निर्मल हो जाते हैं, परमात्मा के जाने ही तुम्हें हो जाई। जब व्यक्ति भगवान को जानता है तो परमात्मा के सदृश समान हो जाता है, इसलिए भी कथाओं में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। नारद जी ने कहा किम फलम, भगवान ने कहा दुख शोक आदि समनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख और शोक का समन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतति करम, संतान देने वाला व्रत है ये, स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करने वाला व्रत है।
सर्वत्र विजय प्रदम, चतुर्दिक दिशाओं में विजय प्रदान कराने वाला ये व्रत है। और यस्मिन कस्मिन दिने, साल के लोग पूछते हैं महाराज जरा मुहूर्त देखकर बताइए मुहूर्त कैसा है पूजा सुनने, जिस घड़ी राम का नाम लिया जाए वही मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम है। साल के 365 के 365 दिन भगवान की कथा सुनने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। किसी भी दिन भगवान की कथा सुनी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे सुबह में ये कथा नहीं होती, यजे चैव निशामुखे, सायंकालीन समय में भगवान की कथा करनी चाहिए। कम से कम दोपहर के बाद 12 बजे के बाद जरूर कथा सुने, सायंकालीन समय में भगवान की कथा करें। पत्रम पुष्पम फलम तो जब यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो भी आपकी सामर्थ्य है, वैसे इसमें लिखा क्या है वो जान लीजिए, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, संसार के जितने से दिव्य पदार्थ है, मेवा मिश्री मलाई रबड़ी जो कुछ भी है वो भगवान को चढ़ाइए, सपादम सवाया करके भगवान को चढ़ाइए। इसमें एक शब्द और लिखा है, सपादम सर्व भक्षाणी चैकी कृत्य निवेदयेत। हमारे यूपी वालों ने इसका अर्थ क्या लिया मालूम है, चैकी कृत्य च एकी कृत्य, वो क्या करते हैं केले को काट देंगे, सेब को काट देंगे और कुल किम खबर देंगे, इसका कतई अर्थ नहीं है। सपादम सर्व भक्षाणी चैकी कृत्य निवेदयेत, जो कुछ भी है वो एक जगह लगाकर भगवान को निवेदित कर दें। फल या फूल काटकर चढ़ाने के लिए नहीं बताया गया है, कम है भक्त अधिक है प्रसाद देने में नहीं पूरा हो रहा है तो आप तोड़कर काटकर बांट सकते हैं, लेकिन चढ़ाए तो भगवान को उसी रूप में जिस रूप में प्रकृति ने उसको बनाया है, भगवान ने जो उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। आपसे जो कुछ भी बनते बने भगवान को चढ़ाइए, भगवान जी तो एक पत्ते। अरे भाई अगर आप लोगों को याद होगा तो महाभारत में दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को बुलाता है, बड़ा सेवा सत्कार करता है, खूब खिला पिला कर बोलता है जाइए युधिष्ठिर के यहाँ, वो भी बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं। अब ये तो बड़े क्रोधी ऋषि थे, जाने जाएंगे तो श्राप देकर ही आएंगे। सूर्य भगवान की उपासना करके द्रौपदी ने एक पात्र, अक्षय पात्र प्राप्त किया था, और उस पात्र के बूते वो जो चाहती थी खिला देती थी। जिस समय पहुंचे भगवान को याद किया, ब्राह्मण को मना करने का साहस नहीं कर पाई, बोली महाराज आप जाइए स्नान करके आइए, उसको इतना विश्वास था नारायण के ऊपर, इतना बड़ा विश्वास था कि भगवान हमारी नैया पार करेंगे। वो विश्वास बल सबके अंदर होना चाहिए, रास्ते नहीं है लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। भगवान को याद करती है, भगवान जी पहुंचे और क्या पाया मालूम है, जूठा चावल, एक दाना चावल जूठा जो बचा हुआ था भगवान जी ने उसको ग्रहण किया। अब बताइए हम क्या अपेक्षा रखते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं भगवान से, जैसा चाहो वैसा मुझको रख लीजिए, हम ही है भागना, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो भगवान जी को प्रणाम करें, नारद जी को तमाम तरह से भगवान जी संतुष्ट करते हैं, कथा की सारी विधियां समझा देते हैं। भगवान जी का ये जो व्रत है ये अहर्निश व्रत है, दिन और रात 24 घंटे का व्रत है। रात को सोते समय संकल्प लेकर और दूसरे दिन सोते समय तक बीच में कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, केवल परमात्मा का ही स्मरण करना है। भगवान के लिए फूलों की तैयारी, फल मिठाई की तैयारी, भगवान के साधन सामग्री की तैयारी, भगवान के निरंतर व्रत जप तप की तैयारी, भगवान के नाम संकीर्तन की तैयारी। प्रसादम सर्वभक्षाणि चैकी कृत निवेदयेत, विप्राय दक्षिणाम दद्यात्, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देते हुए संतुष्ट करते हुए, कथाम श्रुत्वा जनहि सह, लोगों के साथ भगवान जी की कथा सुनी, और कथा के अंत में भगवान के दिव्य प्रसाद का लाभ लें। इसके बाद भगवान के नाम संकीर्तन का भजन कीर्तन करें, और जो जहां से आए हैं अपने अपने घर को जाते समय भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, उसी लीला रूप माधुरी चित्रण का मन में स्मरण कर आनंदित होते रहें। इस प्रकार से अगर कोई भगवान की कथा करता है, एवं कृत्वा मनुष्याणाम वांछा सिद्धो भवेत् ध्रुवम्, इस प्रकार से अगर कोई भगवान जी की कथा करता है तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं सफलीभूत होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर पहला अध्याय भगवान जी के चरणों में परिपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने।